आदमी ने इनको चौक पे नंगा किया है, मतलब चौक पे नंगा किया है ना, इनको क्यों नहीं समझ आई ना। ये मैंने ये भी कहा था कि ये इतने डीट हैं चौक पे नंगा होने के बाद वहीं पे नंगे खड़े हैं अभी तक ना, अभी तक खड़े हैं ना। अभी इनको आवाम को नंगा कर करके क्या चेक करते हो आप, खुश रहे हो आप ना मर्द हो, चेक करते हो कि मर्द कैसी होती है, औरतों को चेक करते हो कि मरियम औरत है जो 6 माह में बच्चा पैदा कर लिए, बाकी औरतों को चेक करते हो कि वो 9 माह में क्यों पैदा करती है, यही जवाब चाहिए आपको। सबसे पहले घबराना नहीं है भैया, मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। जय हिंद जय श्री राम। तो भाई आप लोगों को पता ही 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे अभी बीता है, तो पाकिस्तान के अंदर वुमेन की वहां पर भाई एक तरह से खिलौना समझ रखा है पाकिस्तान में। और जो आपको पता है इमरान खान का एक वहां अलग ही नाटक चला हुआ है, तो इमरान खान के जलसे में भाई औरतों के साथ क्या क्या ज्यादती हुई है। और इनके मंत्री बिलावल भुट्टो ने दो दिन पहले बयान दिया कि भारत के कश्मीर में औरतें सेफ नहीं है, और इनके औरतों के जवाब सुनिए। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शुरू करते हैं। इसलिए नंगा करते हो लोगों को, इसलिए जिले शाह को नंगा करके उसकी लाज का जहां पे मारा, इसलिए वो चौकीदार को नंगा करके उसके उसके साथ ईंटें भर दी, तो तुम खुश रहे हो, तुम ना मार दो, बाकी जहां के मर्द मर्द हैं वो जो डट के खड़े हैं इमरान अहमद खान नियाजी के साथ, ठीक है। अभी नहीं सुधरोगे ना तो ये जो आपने इज्जत का के कपड़े पहने हुए हैं आवाम चौक पे उतारेगी, बेफिक्र रहे, लफ्जों में इमरान अहमद खान नियाजी ने उतारे, रियल में आवाम उतारेगी, तैयार हो जाओ। स्टार्ट में तूने 4-5 बंदे मार दिए होते, जो ये ना होता, उस इंसान नुमा भेड़िए से पूछो, इंसान नुमा भेड़िया दरिंदा गद्दार, तू जो ये कह रहा था स्टार्ट में ही मार दिए होते, ये याद रखना ना, हमने वहीं पे खड़ा होकर यूं झोलियां उठा उठा के आपको बदवाएं दी थी। और मैं आज भी कहती हूँ ना, जुम्मे का दिन है, शाम का टाइम है ना, अल्लाह करे आपकी नस्लें रेत की तरह उनके जिस्म से गोश उतर के गल के मरे, जो आपने केमिकल वहां पे इस्तेमाल किया है, जो जहरीला केमिकल था, एक्सपायरी डेट के शेल आप लोगों ने इस्तेमाल किए, पाकिस्तान की आवाम को आपने भेड़ बकरियां समझा था। यही नहीं, अभी और सुनिए, उन्होंने हमें कहा भी आगे पुलिस खड़ी है, हमने कहा कोई बात नहीं सर, हम नीचे उतरे, हमें नहीं पता था भी आगे कैंप वो पानी केमिकल का, हम जैसे ही नीचे उतरे सारी वो जितने रैली के साथ थे सारे इकट्ठे हो गए, जमा हो गए, हम आगे जाने लगे, उन्होंने हमारे पे केमिकल वाला पानी फेंक दिया, पानी जैसे फेंका जैसे जैसे पानी को जिसको वो लगता गया वो बेहोश होकर गिरते गए, पीछे से पुलिस आती फिर डंडे मारती, डंडे मार के फिर उनके मोबाइल छीन लेती है, उनके पैसे निकाल लेती है, ठीक है, फिर ऐसे करते करते फिर उन्होंने फिर गाड़ियाँ इतनी दौड़ जोर से भगाई, फिर हम चले गए, कपड़े हमारे भीग गए पानी के साथ, फिर चले गए, फिर मेरे साथ एक नीली परी वो इधर ही होती है जमान पार्क में, वो थी बाजी ये रूबी मियाँ वाली की, ये जो पहले गाड़ी में बैठी थी, हम दोनों थी उन लपरपरों के साथ, हम आगे गए तो वो उसके उन्हें शावर आया पानी का, वो सीधा उसके मुँह पे उसके अंदर गले में पानी गया, वो फौरन गिर गई, बेहोश हो गई। ऐसी रैली आई डॉक्टर यासमीन की, रैली आई डॉक्टर यासमीन की, फिर हमने उसकी गाड़ी में उसको बैठाया, वो हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद कोई बंदा नहीं हमें कुछ नजर आया, फिर हमने सांस थोड़ा सा ले, फिर हम आगे चले गए, ठीक है। एक हमारा वर्कर आगे जा रहा था, पुलिस वालों ने डंडे पकड़े हुए थे, गुल्लू बट थे पुलिस में, पुलिस वाले नहीं थे, पुलिस के यूनिफॉर्म में गुल्लू बट थे, वो आदमी आ रहा था उसके नाक में ना वो उन्होंने ना डंडा मारा, खून निकलने शुरू हो गया, मैं वहीं पर रुक गई, मैंने कहा क्या हुआ, कहता है ये पुलिस वालों ने मुझे डंडा मारा और मेरे नाक की हड्डी टूट गई और मेरे कमर पे भी मारे, मैं अपना दुपट्टा ना उसकी तरफ करने लगी, मैंने कहा उसका मैं मुंह साफ कर दूं, जैसे मैं उसके पास ऐसे होने लगी, वही जिसने डंडा उस वो वर्कर को मारा था उसने आके पीछे से मेरे बाल पकड़े, मेरा दुपट्टा उतारा, नीचे मेरे इतनी बाजू के नीचे मेरी गर्दन थी, उसने इतने थप्पड़ मारे दुपट्टा हजाब उतार के उसने नहर में फेंक दिया, मुझे अपनी मार भूल गई, मैंने कुछ नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं, मैंने देखा फिर हम वापस आ गए, उस आदमी को न्यूज़ वाला वो वीडियो बनाने लगा, उसके ऊपर वो पानी फेंका गया, उस वो बेहोश होकर गिर गया, उसका कैमरा तोड़ दिया, वो जो सा मोटा सा जिसने मेरे पे हमला किया, फिर हम आगे थोड़ा सा चले गए, फिर इसको मैंने बुलाया, मैंने कहा आए बांजी मेरे साथ चले, जब जिले लाही को मारा गया ना वो मेरे पास ही था, उसे इतना मारा गाड़ी से निकाला गया, इतने डंडे मारे हैं सर पे भी मारे हैं डंडे, फिर और भी जगह पे नाजुक जगह पे भी डंडे मारे हैं, ऐसे ना करें, ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो एक जिले लाही को नहीं मारा उन्होंने, शहीद किया, कई जिले लाही पैदा होंगे, इंशाल्लाह हम डट के खड़े रहेंगे, खान साहब के साथ हैं, हमें अपना दुख जो उन्होंने मारा डंडे मारे थप्पड़ मारे वो सब कुछ भूल गए, रात को हम 2 बजे तक पैदल आए इधर आए जमान पार्क में। मैंने ये पुलिस की हवानियत पहली दफा नहीं देखी, मैंने 26 को भी देखी थी ना, मैंने 26 को जब देखी थी मैंने तभी भी अपने पाकिस्तान में उसे कहा था, ये वहाँ पे पुलिस के यूनिफॉर्म में सारे पुलिस वाले नहीं थे, मैंने 26 को भी कहा था कि वो सारे पुलिस वाले नहीं थे, मैं अभी भी कह रही हूँ कि वो पुलिस वाले नहीं थे, वो उनके रूप में हुंडे थे ना, अरे बाबा, जिनको इन्होंने यूनिफॉर्म बना के भेजी हुई थी ना, और मैंने उधर जो हशर मैंने देखा है ना, मैं खुदा को हाजिर मैं कहती हूँ वो कहीं से मुसलमान हमें नहीं लग रहे थे ना, मुसलमान होंगे मैं ये नहीं कहती, लेकिन जो उनका बिहेवियर था ना, जो उन्होंने
आपको पता है दुनिया में औरत की इज्जत की जाती है ना, दुनिया में औरत की इज्जत की जाती है ना। वहाँ पे मैंने औरतों के सर से दुपट्टे उतरते अपनी आंखों से देखे हैं ना, उनको चपेड़े खाता मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं कैसे कह दूँ कि वो मुसलमान है या वो कौन है। ये मुझे अब हम रौनक पता किस बात पर आता है, ये हमारे टैक्स के पैसे होते हैं ना, ये हमारे टैक्स के पैसों से पलने वाले लोग हैं ना, वो जब आके हमें हमारे सरों से दुपट्टे खींचेंगे तो वो हमें पाकिस्तानी नजर आएंगे। पंजाब पुलिस तो वैसे भी बहुत बदनाम हो चुकी हुई है, पंजाब पुलिस से करप्ट पाकिस्तान में कोई इदारा और नहीं है जितनी पंजाब पुलिस करप्ट है ना। ठीक है, पंजाब पुलिस बिक जाती है ना। अब जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो ऑर्डर दे रहा है कि स्टार्ट में तूने चार पांच बंदे मार दिए होते, स्टार्ट में तूने चार पांच बंदे मार दिए होते, जो ये ना होता, उस इंसान नमा भेड़िए से पूछो, इंसान नमा भेड़िया दरिंदा गद्दार, तू जो ये कह रहा था स्टार्ट में ही मार दिए होते, ये याद रखना ना, हमने वहीं पर खड़ा होकर यूँ झोलियाँ उठा उठा के आपको बदवाएँ दी थी। और मैं आज भी कहती हूँ ना, जुम्मे का दिन है, शाम का टाइम है ना, अल्लाह करे आपकी नस्लें रेत की तरह उनके जिस्म से गोश उतर के गल के मरे, जो आपने केमिकल वहाँ पे इस्तेमाल किया है, जो जहरीला केमिकल था, एक्सपायरी डेट के शेल आप लोगों ने इस्तेमाल किए, पाकिस्तान की आवाम को आपने भेड़ बकरियाँ समझा था, आपने इन्होंने बिल्कुल भेड़ बकरियों वाला सलूक किया है ना। पाकिस्तान में तो होगा, ये तो होगा, पाकिस्तान के अंदर होगा ये तो होगा। अब सब उधर गवाह हैं, जो इन्होंने हशर किया, जो इन्होंने आजम खान नियाजी को मारा, उनके गनमैनों को मारा, उसकी 600 की 600 गाड़ियां इन्होंने ऐसे चूरो चूर की कि उनके साइड के शीशे भी इन्होंने याद से तोड़े कि वो बचत ना हो उस शख्स को। वो किसका बोख था? सिर्फ इमरान अहमद खान नियाजी का था ना, सिर्फ पठान नियाजी इनकी नाक पे लड़के खड़े हुए हैं, ये सारा गुस्सा इन्होंने उस चीज का निकाला था ना हम पे। ये बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं है, हम इनको पाकिस्तानी तस्लीम भी नहीं करते। हमारे इदारों ने अपने रवैये से हमारे दिलों में नफरतें पैदा की हैं, हम नफरत किसी से भी नहीं करते, हमारे इदारों से हम किसी से भी नफरत नहीं करना चाहते। जब औरतों पे 25 मई को जुल्म हुआ तब भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई सो मोटो नोटिस नहीं लिया। कल परसों जो 8 को इंतहा हुई ना, तब भी अदालतें आधी रात को नहीं खुली ना, कोई अदालत नहीं खुली। इज्जत औरत की, इज्जत सबकी बराबर है ना, मरियम भी औरत है, हम भी औरतें हैं। वो जो औरत है उसको पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो किस तरीके की औरत है, जिसने अरशद शरीफ को मरा के उसकी जिस दिन शहादत का पता लगा उसने केक काटा, उसने दिवाली मनाई थी मेरे ख्याल में गालबन के, पता नहीं किस चीज़ का, ठीक है, उसने वो काटा, उसके कल वो उसको मरवा के उसके बाद भी वो हमजा पता नहीं किस चीज़ का केक काट रहा था ना। ये तो ये इस औरत की वजह से इन्होंने इज्जतदार औरतों को जो ये कहते हैं ना दहशतगर्द, ये जमान पार्क में दहशतगर्द खड़े, यहाँ पे दहशतगर्द कोई नहीं है, यहाँ पे वो आलम इस्लाम का लीडर बैठा है, जिस जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, मशहूर है पहले से ही, और अब तो वो आलम इस्लाम का लीडर है, और 24 करोड़ आवाम में से 22 करोड़ आवाम उसके पीछे डट के खड़ी है ना। यहाँ पे दहशतगर्द कोई नहीं है, यहाँ पे मुर्दे वतन पाकिस्तानी आते हैं और इज्जतदार औरतें आती हैं। मरियम नवाज इज्जतदार नहीं है, इसलिए कहती हूँ कि सारे जहान की वीडियो रख के बाप और चचा को साथ बिठा के कहती है कि मैंने ये वीडियो देखी है, अल्लाह अल्लाह तौबा तौबा, तो वो इज्जतदार है। तो भाई देखिए, पाकिस्तान की औरतों के साथ जो ज्यादती हुई है, यानी कि भाई इमरान खान का जो जलसा था वहाँ पर भाई जो वाटर कैनन चलाए गए थे उसमें केमिकल भर रखा था, और केमिकल भर के उन पर मारा है, यानी कि भाई केमिकल पानी से तो रोक रहे थे, केमिकल मारा है वहाँ पर कि वो ताकि बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाए। और उससे भी ऊपर उन्होंने क्या किया, उन सभी के सभी कार्यकर्ताओं के मोबाइल निकाल ले, यानी भाई कुछ सभी कहेंगे उनका पेट भरेगा, पैसे उनके सभी के निकाल लें, और पड़े पड़ों को वहाँ पर डंडे से मारा है। औरतों के साथ भाई इसमें ये औरत थी, इसका जो नकाब था उसको उतारा है और वहाँ पर फेंक दिया है, उसके साथ भाई मारपीट की, यानी कि ये तो भाई चलो इसने कैमरे पे आके बताया है, और पता नहीं क्या क्या वहाँ पर औरतों के साथ हुआ होगा। 8 मार्च वुमेन इंटरनेशनल डे, ये है पाकिस्तान की असलियत। आप लोग क्या रहे कंसेंस में, जय हिंद जय भारत।